दमाद है करामत बीबी का, जात का कुम्यार है वो, तेरा कोई जोड़ नहीं इसके साथ। उधर देख, ये छोटा दमाद है करामत बीबी का, अमीर आदमी है, जीपे हैं, कारें हैं, जिम्मेदार है। वे सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलाके का काउंसलर है। वे ऐसे लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए, कल को ये तुम्हारे भाई को भी दुबई भेज सकता है। बड़ी साली बिस्मिल्लाह। बैठो बेटा बैठो। अब ऐसे कैसे बैठ जाए, पलंग पे बैठे तो उससे पहले लाग देना पड़ेगा जरूरी। लाग? हाँ लाग, और वो भी पूरे 2000 रुपए लूंगी मैं। अरे चली हो गई है, बैठने तो दे दूले बेचारे को। हाँ हाँ बेटा, लाग भी दे के जाएंगे, हम कोई गरीब गुरबा लोग नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है जी के पलंग पे ना पहले दूल्हा ही बैठेगा। क्या कह रही है? बैठो 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 बैठो। ओह ये क्या हो गया? तुर फिटे मुंह, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं जी, सालियों की शरारत है, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की, चल जीशान चल। कोई तुझे लड़कियों की कमी नहीं है, मखौल की किसी हद होती है। भाई साहब मेरी बात तो सुने आप। ये क्या किया तूने, मुझे तो बता देती, फोन क्यों होएगा? कुछ नहीं होएगा, इतने नखरे ने तो जाएं। चल जीशान की माँ चल, हमें नहीं चाहिए ऐसा घटिया खानदान। अच्छा क्या छाड़ दे, लड़कियों ने तो मजाक ही किया था। इज्जत करनी आती नहीं मेहमानों की, इतना जोर से मेरा बच्चा गिरा है, अगर सर फट जाता तो फिर क्या बनता। रखें अपने पास अपनी लड़की, हम इधर ही तलाक दे के जाएंगे इसे। सब माफी दे दो, मुझे तो पता ही नहीं था, ये भी तो तेरी टीम जैसी है ना। पता तो तब चलेगा ना जब तुम्हारी लड़की तुम्हारे दरवाजे पर सारी उम्र बैठी रहेगी। ओ यार छोड़ यार, तू उधर देख, वो बेवा खतून है और उसकी यतीम बेटी है। ओ यार तू उनको माफ कर दे। ओए उनको नहीं माफ करता तो मुझे माफ कर दे यार, मैं माफी मांगता हूँ तुझसे। ओ ना बरा, हमें नहीं चाहिए ये कुड़ी, बिठाओ अपने पास, चल आज ईशान की माँ मेरे साथ। ओए चाचा एक मिनट, हाथ जरा हौला है, देख मेरी बात सुन। ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो ऐसे मौके पर हो ही जाती हैं, और देख ले मेरी साली को सामने खड़ोती है, और इसने मुझे दूध में नमक डाल के पिला दिया था। ओ ना मैं निकल पाऊ ना मैं उगल पाऊ, है ना मजे की बात। लेकिन बात क्या थी, इज्जत की, और अपनी इज्जत के लिए बंदा मर जाता है, इस तरह अपनी इज्जत को छोड़ के थोड़ी जाता है। और जब अपनी इज्जत बना लिया है तो उस इज्जत को तो साथ लेके जाना है ना। है
अच्छा तू इज्जत वाला है, तेरी बात मान लेता हूं। हाय वे मीदू, तू यहाँ बैठे? वे मैं पूरे घर में ढूंढ के आई हूँ तुझे। ना तुझे जैसे मेरी बड़ी परवाह है ना। ले दस, मुझे कैसे नहीं होगी तेरी परवाह, सबसे ज्यादा मुझे तेरी परवाह है। अब आश्कार बास्कार चलाकियाँ, लग गया मुझे पता किसको कितनी परवाह है मेरी। क्या बात है मीदू, ऐसे क्यों कह रहा है तू? अच्छा डे सारी बातें, चल वापस चल कर। खैर तो है, अभी तो पीनू की रुख्सती हुई है खलबली में और परसों मुखलावा है। पर दिमाग ना खराब कर मेरा, कह दिया ना चल कर चले। बात क्या है, चंगा पला तो था सवेरे। तू चलती है मेरे साथ या मैं जाऊं कल्ला? अच्छा अच्छा रोटी खा ले फिर चलते हैं। और देख मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ना तंग कर मुझे, नहीं खानी रोटी छोटी मुझे। जा जा के सामान समेत। ये तू क्या कर रही है? जा रही हूँ। जा रही हूँ? दिमाग तो ठीक है तेरा, आज ही तो पीने की रुख्सती हुई है। वैसे भी अम्मा बड़ा रोई है आज, और अब तू भी जा रही है। मीदू कह रहा जाने के लिए, मैं क्या करूँ? मीदू बड़ा नवाब है, उसे तो मैं अम्मा से ठीक कराऊंगी। समझने की कोशिश कर, मीदू की तबीयत नहीं है ठीक। मीदू की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत तो मैं ठीक करूंगी ना। बस तू रख कपड़े चल। जिद ना कर, जाने दे मुझे। ऐसे अम्मा को बुलाती हूँ मैं, ठहर जा तू जरा, मीदू को भी ठीक कराती हूँ। अम्मा अम्मा आई जरा। क्या रोला डाला है तुम दोनों ने? अम्मा देख ना ये भी जा रही है, अखे मीदू ने बुलाया है। मीदू बड़ा डीसी लग गया हम पे है, एक तो मेरी ती रोल छोड़ी और ऊपर से। चल छठ रखिए कपड़े, कोई जरूरत नहीं है मीदू को भी जाने की ना। तुम दोनों ने कल मुकलावा लेने नहीं जाना? जाने दे अम्मा, वो मीदू की दुकान बंद है। हाँ पता है मुझे मीदू की दुकान का, एक दिन दो चार कड़े ना बिके तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। रख कपड़े, कोई जरूरत नहीं तुझे जाने की। और मीदू को तो मैं आप नहीं बढ़ लेती, तू देख सर। अब बोल। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे देख बंदे की इतनी जी हजूरी चंगी नहीं होती, रीमे कोई देख ले। 10 दिन तक कहूंगी ना तो बैठा रहेगा वो, वैसे भी तेरे कौन सा बच्चे रो रहे हैं कार। हाँ
बच्चे ही तो नहीं है। चल छाड़, तू दिल छोटा ना कर मेरी बहन, अल्लाह तेरी जरूर सुनेगा। नवाब साहब, खैर है ना? मैं क्या बीमारी पड़ गई है तुझे जो घर जाने की जल्दी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, चंगी तरह जानती हूँ मैं तेरी तबीयत को। चार बंदों में बैठने की वैसे भी तुझे आदत नहीं है, दे आराम से। मैंने खाम खा मेरी ती को परेशान किया हुआ है। तो मासी, मैं आप बड़ा परेशान हूँ ना। क्या परेशानी है तुझे है? इस खुशी के मौके पर अहमी तू हमें नखरे दिखाए जा रहा है। कहा तो है ना तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाँ, तो कार जाके तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। देख, तू कहता है ना तो मैं तुझे दवाई मंगा देती हूँ। नहीं, रहने दे, लोड़ नहीं है मुझे। हाय, फिर एवी डाम ना लगा। चंगी भली मैं रोटियां पका रही थी, खाम खा मुझे छोड़ छाड़ के आना पड़ा तुझे मनाने के लिए। चल उठ, आ जा रोटी खा के। वे आ जा, आ। आई तो लकड़ियां नहीं मत मार दी। बीना जी। माँ जी, पुत्र खाना तैयार हो गया है, तू रही में क्या तू आ दे। अच्छा, मीदू उठ, तू भी आप तो के आ जा। मीदू, मीदू उधर किधर बैठ रहा है? इधर आ जा मेरे पास, आ जा। चल खा, और चाहिए हुई ना तो ले लें। और चाहिए हो तो ले लें। किसी और चीज की लोड़ तो नहीं है, पूछ ले। तुझे क्या हुआ है? मीदू, मीदू, दे मीदू। तूने तो नहीं कुछ कहा इसको? नहीं अम्मा, मैंने क्या कहना है इसे? जा किथे? अल्लाह जाने कहाँ चला गया। का तो दिमाग खराब हो गया है। चंगा भला मेरे पास बैठ के रोटी खाने लगा था, पता नहीं क्या हुआ, रोटी सुट के ये जा वो जा। इसकी तो जब से दुकान चलने लगी है ना, इसका दिमाग खराब हो गया है। देखती हूँ मैं खुद ही जाके, उसको जाती हूँ उसके पीछे। वो किधर जा रही है तू? गया होगा कहीं इधर उधर, आ जाएगा फिर। पुत्र जाना कहाँ है उसने? ये पिछली गली में होगा, मैं देखती हूँ जाकर। ठहर जा, देखता हूँ मैं। ना पुत्र, तू कहाँ तकलीफ करेगा, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ उसे। तू बैठ के रोटी खा, तू ख्याल रख इनका।
मैं उसको देख कर आती हूँ। दिमाग खराब हो गया उसका तो। सीमा ये पा मीदू को क्या हो गया? कहीं तूने तो नहीं कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा मैंने बीना, रब जाने क्या हो गया इसे, शाम से ही मुंह बनाया हुआ। अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस कार में। मिद्दू के बा, ओ वे कौन आया बा, कोड़े में इसके सुता रहता है, उठ जा 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 छेती जा। भाग रहा है। ओ डग 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 डग, तू ना ठीक। ओ जा गोडे आज दर्दा रे, जा टर पिया कर। अच्छा जा काली तन भरी कौन है भाई? है वह मिदू? ओ खैर तो है पुत, अद्धी रात को घर वापस आ गया। वेख लो ते सही। मैं क्या पूछते उसको भाई? तो सवेरे पूछ लेंगे, सो जा। सवेरे तो पूछ ही लेंगे, ये तो कह रहा था कि कल परसों आऊंगा, अभी रातों को कहा रहा आ गया। लड़ पे होगा अपने ससुरालियों के साथ, और उसका काम क्या है? अच्छा अच्छा सो जा, सवेरे पूछ लेंगे, और मेरी नींद ना खराब करें। सो जा तू, सो जा तू, बैठा तू सो। नहीं बस कर दे, बस कर दे, सवेर से रो रो के तूने अपना बुरा हाल कर लिया। मैं क्या करूं बेबे, रोना तो और क्या करूं, सोचू ना तो और क्या करूं। हाँ हाय, नहीं सीमा ये तू कैसे गल कर रही है अम्मा से? ना तू तो ऐसे ही कहेगी ना, तेरा सही तो है ना तेरे पास। पामीदू को हो क्या गया अम्मा? ऐसा तो वो नहीं था, कहीं तूने तो नहीं उसे कुछ कहा? हाँ है ले दासा, ना मैंने क्या कहना है उसको, वो तो सवेरे से ही उखड़ा उखड़ा था। पता है तुम्हें वो करीम से भी झगड़ा करके गया है। खैर बेबे कोई गल तो जरूर है, पामीदू ऐसा करने वाला तो नहीं था। अल्लाह ही जाने कहाँ चला गया है वो। नहीं जाना कहाँ है उसने, घर गया होगा अपने और किधर। तू फिक्र ना कर मेरी थी, मैं सवेरे जाके पता करूंगी उसका। ना कोई जरूरत नहीं है किसी को जाने वाने की, मैं आप ही टूट जाऊंगी सवेरे, कोई लोड नहीं है जाने की। बस अब हौसला करके बैठ, कसूर सारा तेरा ही है, तूने सिर पे चढ़ाया हुआ है उसको। बीना का शौहर भी तो है ना, कैसे इसके आगे पीछे फिरता है? तेरा बंदा है, मिजाज ही नहीं मिलते नवाब साहब के। चल बस बस कर, ना रो मेरी थी, हौसला कर, मैं सवेरे जाऊंगी पता करूंगी उसका, रब खैर करेगा। बस मेरी थी सलाम बेबे। वालेकुम सलाम पैना। बेबे बेबे मीदू किधर है? घर आया था। हाँ वो काफी चौखी रात वेले घर आया था, अति सो गया। देखा देखा भैने इस मुंडे की हरकत, चंगा भला चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाने लगा था। आहे मैं तो अपने हाथ से गरम गरम रोटियां पकाकर उसको दे रही थी, पता नहीं क्या हुआ, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना गल ना बात, उठा और ये जा वो जा, मैं तो पीछे से आवाजें देती रह गई उसको। सारी रात अम्मा ती की जिस तरह गुजरी है ना, वो हम जानते हैं या हमारा खुदा। देख बहन तुझे तो पता ही है कि मैंने कल ती को टोरा है, अभी उसका गम नहीं गया तो मीदू ने ऊपर से तमाशा लगा दिया अपना। जरा आवाज तो दे किधर है वो। दस्या ना कि काफी देर से आया था रात को, अते साथ ही सो गया। मैंने पूछा भी कि सुना सीमा नहीं आई, हकने लगा कि कल आ जाएगी, गल कोई मुझे जरूर लगती है। मैंने कहा सुबह जाऊंगी तेरे से पूछूंगी, सीमा ती से पूछूंगी कि कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया,
सीमा देखना, तुझे तो पता ही है कि मेरा पोत तो बहुत ही देर किसी के साथ नाराज रह ही नहीं सकता। पर वो तो कल कोई बात ही नहीं कर रहा था, अखा लाल बोटी वांगू और एक चुप। बेबे बेबे ऐदा कोई टुकर पानी खादा उन्हें? किथे तड़के वेले उठे ना चाह ना पानी और टुर गए। हद ही मुका दी इस मीदे ने, वेख ना बेबे उधर से भी कुछ नहीं खा के आया। देख भैन, आज कल के लड़कों का दिमाग खराब होने में देर नहीं लगती, मुझे तो लगता है असर हो गया जिन भूत का मीदू पर। बेबे कैसी बातें करती है तू, ऐवी ना अंदाजे लगाती रह कर, देख रही तू एक दिन मेरा मीदू अपने आप ही वापस आ जाएगा कार। नहीं सीमा, तू मन ना मन कल कोई जरूर है, अरे क्या तो चुप लगी हुई है, देख लेना बिचों कोई ना कोई गल जरूर निकलेगी। वैसे मिधु बेचता क्या तू कड़क कनालिया? ये भी क्या हुनर हुआ कि बंदा सारा दिन मट्टी में भूत बना रहा है, कख हुनर है? तभी तुझे मासी ने मजदूरों वाला काम दिया है। ओए ये बड़ा दामाद है करामत बीबी का, जात का कुम्हार है, वो तेरा कोई जोड़ नहीं इसके साथ। पुत्र कहाँ तैयार हो गया तू रही में क्या आपको आ दे? मीदू मीदू उधर किधर बैठ है? इधर आ जा मेरे पास आ जा। नहीं बढ़ना मुझे कब यार, नहीं चाहिए तुम्हारी रोटी, मैं कोई फकीर हूं जो हाथ में रोटी रख के खाऊं? नहीं मैं फकीर नहीं हूं, नहीं हूं मैं फकीर, 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 नहीं हूं मैं फकीर। बेटा मेरे पैसे दे तो तेरी भी किनाली बिछ ले। पामिदू तू रोया है? नहीं है, नहीं मैं नहीं रोया, वो तो तीजा आया यार। अच्छा अच्छा चले जा, तू तुम इससे नाराज है? और मैं नहीं नाराज यार, और जा अल्लाह के वास्ते जा यहां से। मैं तो किनाली तो दिखा भाई वदी और तोती किनाली दे उसको। सबसे बड़ी
ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਨਾਲੀ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਤੋਤੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 30 ਦੇ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ? ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਡੀ? ਹਾਂਡੀ ਕਿਧਰੇ ਹੈ? ਤੁਝੇ ਤੋ ਬੁਖਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਰੁਕ ਪਾਮਿਦੂ, ਮੈਂ ਅਭੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੇਕਰ ਆਤਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਮੁਸਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੱਪ ਰਹਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਖਰ ਕੁਛ ਤੋ ਬਤਾਇਆ ਹੋਗਾ ਉਸਨੇ ਤੁਝੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਤਾਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਤਾਤਾ, ਕਹਤਾ ਹੈ ਅਰੇ ਕੁਮਿਆਰ ਹੋ ਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਕੁਮਿਆਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾਗਲਾ, ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕੀ ਸਮਝ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਮੁਝੇ, ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਇਸੇ ਸਸੁਰਾਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਲਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਬ ਸੇ ਵਾਂ ਗਿਆ ਬਤਾ ਮੁਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਿਆਣਾ ਮਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਊਂ ਕਿਆ ਕਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਰੋ ਮਤ, ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਖੁਦਾ ਪੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਕੋ ਕਭੀ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮੇ ਕੀਆ, ਉਹ ਕੰਡਾ ਚੁੱਪਤਾ ਵੀ ਕੈਸੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਸੇ ਉਤਰਾ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਚੁੱਪਤਾ ਨਾ। ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਕੋ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੁਸੀ, ਮੈਨੇ ਹਾਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੱਦੇ, ਇਸਕੀ ਲਾਡ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਘਰ, ਮੀਤੂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਉਸੇ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਕੇ ਨਾ ਪੱਕੇ ਕੋਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਢਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਚਲਤਾ ਹੂੰ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਾਮ ਮਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਘਰ ਮੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਫਿਰ। ਮਿਧੂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ। ਕੈਸੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਝੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਕੇ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੂੰ। ਜਾ ਜਾ ਮਗਜ਼ ਮੈਂ ਖਾ ਮੇਰਾ, ਕਹਿ ਦਿਆ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਤੁਝੇ ਭੁੱਖ, ਜਾਣਦੀ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਖੁਦ ਖਿਲਾਤੀ ਹੂੰ ਮੀਦੂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੇ। ਜਾ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਵਰਨਾ ਫਰਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਮਾਰੇਗਾ ਮੁਝੇ? ਓਏ ਹਾਂ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਕਿਆ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੂੰ ਹੈਂ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ।
मार दे तू, अपने हाथों से गला खोंट के मार डाल मुझे। वैसे भी रोज रोज इस तरह कतरा कतरा कुट कुट के मरने से तो बेहतर है मैं एक ही दफा मर जाऊं। देख चली जा यहाँ से, और मुझे आज कुछ ना क्या तू? नहीं जाती हूँ, जब तक तू कुछ खा नहीं लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा चल छोड़ना मीतू, खा ले। जा जाके अपने थके हो खिला रहीमे को, जिसको तेरी माँ ने मेज पे रख के रोटी दी थी, और मुझे ऐसे हाथ पे रख के। ओए फकीर हूं मैं, और समझती क्या अपने आपको तेरी माँ? इतनी नवाबजादी थी तो क्यों दी थी अपनी कमी यारों को? और तब पता नहीं था कि हम गरीब हैं? एक दमान अमीर क्या हो गया, दूसरे को पैर की जूती समझ लिया। इस बात का गुस्सा है तुझे? ओए हाँ गुस्सा है मुझे, और तेरी माँ अपने आपको समझती क्या है? और जिसकी जेब भरी हो उसी की इज्जत होती है। इसमें मेरा क्या कसूर है मीदू? चल खा ले रोटी, मुझे माफ कर दे, बेबी का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। और रही बात अम्मा की, उससे तो मैं खुद बात करूंगी। ओए कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, जब गई ना तू तो वापस ना आना। अच्छा ठीक है, नहीं जाती मैं, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही करूँ। चल माफ कर दे मुझे, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया मैं तो। तुझे तो पता है ना मैं हमेशा से तेरे ही साथ हूँ। चल अब खा ले, मैं खुद खिलाती हूँ तुझे अपने हाथ। बस बस खा लूंगा मैं आप। बेबे तुझे पता है आज ना पामिदू को बड़ा बुखार था। कब? शामी, मैं उसे गोली भी ला कर दी थी। मैं कहाँ थी? तू भैंसों के लिए पट्टे लेने गई थी ना, तो तू मुझे बता नहीं सकता था हैं? ओहो मैं भूल गया था। भूल गया था, खाना पीना तो नहीं भूलता तुझे, ये बताना भूल गया है? अब तो बता रू ना, तो अब मैं क्या करूँ, उसके घर जाऊँ इस वक्त इतनी देर से? ओहो फिर क्या हो गया? लोग रात को 2:30-3 बजे चले जाते बीमारों का पता करने, इस वक्त कुछ देर तो नहीं हुई? चलो मैं भी चलता हूँ। रहने दे, तू बैठा रहे, मैं कल ही चली जाऊंगी। अभी डिग्गा होगा कि किचड़ी चोर मैं मुसीबत पाएगा। चल उठ तोती। बेबे रुक जा, खाना तो खाने दे। हाय खाना आके खा लेना, पता नहीं क्या हाल होगा मेरे वीर का। उठ और मेरी बात सुन, घर पे ही रही, घर खुला छोड़ के कहीं निकला ना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ओ यार मेरी बिस्ती करती रहती है, मुझे समझ नहीं आती, मेरी बहुत बिस्ती करती है। पर मुझे क्या है, मैं खाना खाऊं, मैं तो हूं ही जीत। मुझे क्या है, मैं मीदू, मीदू क्या हुआ है? तोती ने मुझे बताया तेरी तबीयत खराब है, क्या बात है, ताप चढ़ा हुआ है? कुछ नहीं अब मैं तो ठीक हूँ, हाथ ला के देख रहा है। ताप तो कोई नहीं है, इन्हें तो मेरी जान ही काट दी थी। नहीं आपा, बुखार था, उतर गया अब। और जानती है अम्मा से किस बात पे लड़के आए कि अम्मा रहीमे को मेज कुर्सी पे रोटी देती है और इसको हाथ पे देती है रोटी इसकी? मैं दिमाग ना खराब कर मेरा। आपा मुनीरो, और तू ही दस, बेइज्जती नहीं मेरी? नहीं गलती माड़ी है, जवाई फिर जवाई होता है। क्या हुआ जो आज मेरे वीर के पास पैसे नहीं है, सारे पिंड के दिलों पे राज करता है? तो क्या हुआ आपा, माफी मांगी तो है मैंने इससे। तूने जो पहले क्यों बताया पामिदू, तू कह तो कल ही चाची करामते से बदला ले लेते हैं। वे क्या मतलब है तेरा? पामिदू बस तू एक इशारा कर, अगर चाची करामते तेरे से कल 500 पांडे ना लेके गई ना, तो मेरा नाम भी तोती ने। समझ में आई तेरी गल? बड़ी शह तू भाई, क्या समझा रहा है मुझे भी बता। कुछ नहीं बेबे, ये तो मेरी और पामिदू की आपस की गल है। ले बड़ा आपस की गल, सीधी तरह बता मुझे, नहीं तो ये कान खींच के ना लंबा कर दूंगी। ओहो बेबे कान कुछ नहीं, मैं तो बस एम भी पामिदू खुश करने की कोशिश कर रहा था, देख कितना हंस रहा है। मेरे नाल आटा लंघ गई सी, मैं भी लग गया लाटा। बाबा जी ने कहा
ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। अब पता चलेगा इसे मेरे बेटे पे कब्जा किया हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। देनी मेरा पुत्र सद के जाओ मेरा अब्दुल्ला। हाँ जी खैर है ना सब? आहो खैर है। याद आ गया घर वापस आना? देख अम्मा देख, अब तीन दिन का कहा था तुझसे, एक घंटा ऊपर नहीं हुआ है। हाँ जी बड़ा एहसान किया ना मुझ पे। अम्मा जी वो मेरी प्यारी अम्मा हो, ओ अपना मुंह ठीक कर ले। देखना सब आ गए हैं तेरे पास हैं। वो तो चंगा हुआ कि मैं वहां चला गया और सब कुछ संभाल लिया मैंने। क्यों पुत्र जी, उत्थे जंग लग गई सी? ओए होए होए तौबा तौबा तौबा। ओ हो चंगा भला तमाशा खड़ा हो गया था मैं जी। हाँ ओ जो पीनू की सास है ना, वो बड़ी कपत्ती निकली है। मेरी सास से कम ही कपत्ती है। छोटी सी मिट्टी जी दाग पे ना क्या दवाने लगी थी अपने पुत्र से। फिर ते चंगी हुई ना पुत्र। मेरा पुत्र ते वड्डी घर के भी तलाक नहीं देंदा। अम्मा अम्मा तू तो चाहती ही है कि रेमा मुझे तलाक दे दे, तुझे सुकून मिल जाए, तेरे कलेजे में ठंड पड़ जाए। तू देखती जा, वो दिन भी दिखा कर रहूंगी तुझे। देखे देखा रे मैं, मैंने क्या बिगाड़ा तेरी माँ का। तू भी बात कर ना, काम खाना फड़क जाकर मैं अपने ऐसे छोड़ने लगा है। तो अपनी माँ को समझाना, सुहागन के लिए तलाक का लफ्ज क्यामत की कड़ी होता है। मैं ये रोज के ताने मीने नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ बड़ी आई है ताने मीने सुनाने वाली, तेरा तो मैं पक्का पक्का बंदोबस्त करूंगी। ले फिर अम्मा, मैं भी इधर हूँ तू भी इधर है, देख लूंगी मैं। ले जा इसे, ले जा पुत्र इसे ले जा। ओ ठीक है मरी, आराम करो आराम करो। चले चल। हाँ चल रही हूँ। तू देखती जा कुड़िए, मैं तरीक चला दिता, बस तेरे कमरे पैर रखने की देर। चाचा तुझे नहीं पता मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। ओए हाँ पुत्र पता है मुझे, उसने वाकई तेरी बहुत बेइज्जती की है। दामाद गरीब हो या अमीर हो यार इसमें क्या है, हमने तो अपनी जिंदगी में देखा है सासे अपने दामादों को ना हाथ के छाले की तरह रखती हैं, हाथ के छाले की तरह। इसने तेरी वाकई बहुत बेइज्जती की है यार। चाचा उसे मेज से बैठा के रोटी दी और मुझे हाथ पे रख के। और भूल जा इन बातों को, अब जो होना था सो हो गया ना। तेरे ये बुखार चढ़ाने से ये भूखे रहने से उसकी सेहत पे असर पड़ेगा कोई? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तू वो ही रहेगा मिद्दू का मित्रू, कमियार का पुत्र कमियार बस। क्या मतलब? मतलब क्या होना है, उसने रीमे की तो इज्जत नहीं की, उसने उसकी दौलत की इज्जत की है, उसकी जेब को मेज में पटा के खाना खिलाया। मैं नहीं समझिया। और दौलत कट्ठी कर दौलत। हम पर चाचा मैं कहाँ से लाऊं पैसा, और हमारे पास तो कोई जायदाद भी नहीं और जमीन का एक टोटा भी नहीं है हमारे पास। ये कड़े कनालियां ही है बस। सोना है सोना, गौर से सोना। दुनिया में ना दो किस्म के लोगों की इज्जत है, एक उनकी जिनके पास दौलत है माल है, और दूसरे वो लोग जिनके पास कोई औहदा है। और रीमे के पास दोनों चीजें हैं, दोनों दौलत भी है और पिछले 5 साल से वो काउंसलर भी है। तो फिर चाचा तू ही बता मैं क्या करूं। यार मिते तू काउंसलर का इलेक्शन लड़ ले। इलेक्शन? ओए हाँ मैं देखिया
سارا پنڈ تجھے جانتا ہے اور دن رات تو لوگوں کے کام آتا ہے، وہ آتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہے چاچا، پر بس پھر ہم سارے رل کے نا پورے پنڈ کو سمجھاتے ہیں الیکشن کا کا تو ہی جیتے گا، اور الیکشن میں دن بھی کتنے رہ گئے ہیں اب. مجھے تو سمجھ نہیں آتی، پانڈے تو اسے بنا ہی نہیں جاتے، چاک پر تو اسے بیٹھا نہیں جاتا، کرے گا کیا؟ ابا میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے اب یہ کام نہیں کرنا، دکان تو میں نے ویسے دے دیے. کس کو پائی؟ چوتی کو، سارا سارا دن ہمارا پھرتا تھا. چھٹ کے جاؤں تو کی کلاسا لیتا جا کے؟ بس میں نے نہیں کرنا کام، آپ منیروں سے میں آپ ہی بات کر لوں گا. اچھا دماغ پھر گیا، ایڈ جائے تو ہوتی انہیں دکان سے بٹھاتا. ارے ایک بات مجھے آج بتا سیدھی سیدھی، ادھر دیکھا تو زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہے؟ الیکشن لڑنا ہے. کیا لڑے گا؟ الیکشن لڑوں گا میں، کونسلر بننا ہے میں نے، الیکشن آنے والے ہیں. بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں کونسلر ہی بنوں گا.